सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीम गॉडलाइक को लेकर। सो गाइस वो लोग विनर ऑफ द सीओडीएम चैंपियनशिप सीजन 2। सो गाइस मिनी मिनी कांग्रेचुलेशन टू देम। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं बीजेएस को लेकर। सो कल सेमीफाइनल्स 1 खत्म हो गया एंड जो भी टीम्स क्वालिफाई कर गई फॉर द फाइनल्स वो तो आप ऑन स्क्रीन देख ही होंगे। एंड गाइस व्हाट अ टीम आरू, कल तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो लोग सेकंड आ जाएंगे एंड एफएस का भी हमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड गाइस जो सिड भाई है उन्होंने बोला कि वो ध्यान बैंटर से ज्यादा फाइनल्स जाना था, अब ध्यान ट्रॉफी पे, बेस्ट टू द अदर टीम्स। एंड गाइस मावी ने भी ये बोला कि लेट्स टॉक मोर एक्शन, हैदराबाद माय ओल्ड होम, आई एम कमिंग। एंड गाइस जो थक भाई है उन्होंने बोला कि फील द स्पार्क। एंड गाइस जो मान्य है उन्होंने बोला कि सेमीज 1 में अगर बॉटम 8 बार भी होती तो और ज्यादा इंटेंसिटी हो जाती। एंड गाइस जो स्काउट है उन्होंने भी ये बोला कि तीनों भाई साथ साथ। बाकी गाइस अब आप वो टीम्स भी देख सकते हो जो अभी क्वालिफाई नहीं कर पाई फॉर द फाइनल, जैसे कि मोगो, 8-bit टीम, गॉड लाइक। एंड गाइस कल तो मिसीजी का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला एंड एक टाइम के लिए ऐसा भी लग रहा था कि वो लोग शायद से कर जाएंगे क्वालिफाई, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड गाइस अभी जो भी टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई फॉर द फाइनल्स तो अब उनके सेमीफाइनल्स 2 खेलना पड़ेगा जो कि स्टार्ट होने वाला है थर्सडे से यानी कि 13 तारीख से। एंड वहां पर 24 टीम्स में से जो भी टॉप 8 टीम्स होगी वो क्वालिफाई कर जाएगी फॉर द फाइनल्स। बीटू का क्या सीन है, क्या सीन भाई बता। तो एक टू का क्या मतलब, अरे भाई बंदों को पता नहीं होगा फॉर्मेट ना, बता दे। एक टू में तो वैसे लाइक 16 मैचेस मिलेंगे, उसमें से टॉप 8 आना है। 24 टीम है, 24 टीम में से 16 मैच मिलेंगे गाइस, 16 मैचों जो टॉप 8 आया इजी है, मतलब जो भी लाइक ज्यादा मैचेस मिले कितना 90 100 कट ऑफ जाएगा, 8-bit क्वालिफाई होगी। एंड गाइस अभी मेसी ने टीम गॉडलाइक की बात की एंड वो में थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाई दिए कि उनके मैचेस देखो तो ऐसा लगता है कि उनको पता ही नहीं कि उनको आखिर जाना कहाँ है। एंड उन्होंने फिर सिम की भी बात की तो वो पूरा क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। स्पीरो बचपन में हम वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल खेलते थे और चुनाव करते थे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। मुझे लगता है टीम गॉडलाइक ने वैसा ही किया है, कोई सा भी आप मैप देखिए ऐसा लगता है कि पता ही नहीं है कि उनको जाना कहाँ है। अभी वो बहुत ज्यादा पीछे गए थे और सडनली आकर उन्होंने कंपाउंड पर स्लैम किया और वो कंपाउंड अभी भी जोन के बाहर है और यहां से निकलने के लिए उनको पता है कि पहले तो टीम एंटिटी से भिड़ना पड़ेगा। अगर वहां से वो निकले रेवन वो पहले से ही तैयार रहेंगे। नहीं, उन्होंने वो फिनिशेस नहीं निकाले, वो रेवन के खिलाड़ी थे जिन्होंने फिनिशेस निकाल दिया। पर मैं देख रहा था कि इन सारी फाइट्स के बीच में सिंप वो अभी भी खिलाड़ी गाड़ी के अंदर मौजूद था, उन्होंने बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया अपनी टीम को और वहां पर अभी भी जो खिलाड़ी नॉक है। एंड गाइस अभी जब गॉडलाइक क्वालिफाई नहीं कर पाई फॉर द फाइनल्स तो कुछ बंदे जाकर गेमिंग गुरु को ये बोल रहे थे कि एक मौका दो ज़ीगॉड को, जिसमें उनका क्या रिप्लाई था वो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। दो ज़ीगॉड को, हाँ भाई तुम वही हो ना भाई जो एक मौका दो लाला को, वापस से लो नियो, वापस से लो घातक, वापस से लो। फिर अगर लाला को ले लिया तो फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा मैच खराब गया वापस भेजो। क्या तुम्हारे हिसाब से नहीं टीम चलती है टीम मेरे दोस्त, तुम्हारे हिसाब से नहीं टीम चलती है। एंड गाइस के लास्ट मैच के पहले जो नाथन हमें थोड़ा सा सैड भी देखने को मिले थे। एंड गाइस ये तो ऑब्वियस है कि उन लोग ने यही तो टारगेट रखा हो कि आज हो ही जाएंगे क्वालिफाई, बट ऐसा नहीं हुआ। सो पूरा क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। चिकन ही चाहिए, मतलब जो दिखा उसको मारो, पीछे हटना ही नहीं है। कितने किल? 10 12 12 किल चिकन। सुन चिकन आएगा ना वैसे 12 15 किल होगी, तेरे को पता है। 12 किल चिकन जॉनी। उठ उठ नहीं तू उठ। हां ये बात, लेट्स गो। 3 2 1 गणपति बप्पा मोरिया। एंड गाइस अभी जी स्लग को एक बंदे ने बोला कि गॉडलाइक पे रैनओवर करने के लिए 69 वर्ड्स का ऐसे लिखना पड़ेगा। तो गाइस ये चीज उनको एक बंदे ने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, अगर आपको पुणे का पोर्शे एक्सीडेंट के बारे में पता होगा। तो फिर गाइस जो स्लग है वो इसके बाद बहुत ज्यादा हंसने लगे थे तो बंदे उनको ये भी बोल रहे थे कि आप क्या ट्रोल कर रहे हो जोनाथन को। एंड गाइस बंदे उनसे ये भी पूछ रहे थे कि आर्कलियन एंड जोनाथन में से कौन बेस्ट है। एंड उनको बंदे ये भी बोल रहे थे कि जोनाथन शुड ज्वाइन एग्रेसिव ऑर्क एंड फीलिंग सैड फॉर जॉनी। तो इन सब में उनका क्या रिप्लाई था वो ऑन स्क्रीन देख सकते हो। गॉडल पे रैनओवर करने के लिए 69 वर्ड्स का ऐसे लिखना पड़ेगा। गाइस गॉडल पे रैनओवर करने का 69 वर्ड का ऐसे जरूर लिखेंगे गाइस। आई नहीं गाइस, अभी तो गॉडल के पास एक और चांस है। वीक 2 में हो जाएगी गाइस, बाकी बची सारी टीम हो जानी चाहिए टीम में। दिल से बुरा लगा जॉनी के लिए, क्यों भाई? अच्छा क्वालीफाई नहीं हुआ इसलिए का? अरे कोई नहीं गाइस, वीक 2 में हो जाएंगे। जोनाथन शुड जॉइन एन एग्रेसिव ऑर्क, डू यू एग्री? अब ये एग्रेसिव ऑर्क क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। आपके हिसाब से आर्कलिन और जॉनी में कौन बेटर है? नो डाउट गाइस इसमें वो कुछ पूछने वाली बात नहीं है, ऑलवेज आर्कलिन वाइज मोर बेटर ब्रो। ओवरऑल वैसे तो हम वैसे जानते नहीं ना इन पर्सनल कौन कैसा है वगैरह, तो हम तो टीममेट्स बेस्ट है हमारे ब्रो। तू ट्रोल कर रहा क्या जॉनी को? नहीं भाई मैं कौन होता हूं किसी को ट्रोल करने वाला। एंड गाइस स्लग में थोड़ा सा कार्निवल गेमिंग को ट्रोल करते हुए दिखाई दिए, सो पूरा क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। ओमेगा भाई ना माने, ओमेगा भाई भी क्वालीफाई होंगे, जरूर होंगे गाइस। अब ये बीजेएस में करके रहेंगे इस बार कर सकते हैं ना, वीक 2 है गाइस, वीक 2 है, लेट्स गो, बेस्ट ऑफ लक है उनको भी। क्या ओमेगा तुम्हारी फाइनल्स क्वालिफिकेशन की पिक मैंने देख ली। अयो लेट्स गो, वीक 2 में सीजी क्वालीफाई हो रही है, फिर लैन पे ओमेगा ओमेगा भाई के साथ डे एंड नाइट करेंगे।
बीजीआई जीतने वाले को इंटरनेशनल स्लॉट मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा गाइस, इंटरनेशनल स्लॉट्स वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा हमको तो कुछ पता नहीं चला। एंड गिस्किल गॉब्लिन ने बहुत ही बढ़िया 1v2 भी किया, यस गाइस, इसमें गॉड लाइक मेंबर्स का क्या रिएक्शन था वो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। स्ट्रगल क्यों कर रही है और क्या रिप्लाई था वो ऑन स्क्रीन देख सकते हो। सोल इतना स्ट्रगल क्यों, सोल स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, जस्ट ट्राइंग टू जस्ट नो प्ले, बट नेक्स्ट नेक्स्ट जब फाइनल्स होंगे तब सोल बहुत अच्छा खेलेगी, बिकॉज उनका वही होता ना फाइनल से पहले जस्ट क्वालिफाई करो, आराम से करो, इतना लाइमलाइट में मत आओ, बट फाइनल्स के अंदर पूरी लाइमलाइट उनके ऊपर। एंड गाइस अभी जी स्लग से एक बंदे ने पूछा कि क्या आप लोग गॉड अगेंस्ट सोल के साथ ड्रॉप क्लैश करोगे, सुस्पून का क्या रिप्लाई था वो ऑन स्क्रीन देख सकते हो। फाइनल्स में भी गॉड अगेंस्ट सोल के साथ ड्रॉप क्लैश होगा क्या? गाइस सोल के साथ तो देखो, अगर सोल आएगी अगर वहां पे टेंपल तो हम लोग हटेंगे नहीं, भले कैसी सिचुएशन हो, तो उसके साथ तो भाई बाकी हम लोग तो देखो असेंडर ही जा रहे, फिर गॉड अगेंस्ट आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमें नहीं फर्क पड़ता वे, ऐसा वो नहीं है कि ड्रॉप फाइट वगैरह लेने से डरना वगैरह कुछ नहीं, ठीक है अब चाहिए ड्रॉप तो ठीक है, वहां से हमारा गेम अच्छा जा रहा है तो क्यों नहीं लेंगे, कोई भी टीम होती लेती है, हम थोड़ी वो है। पूछा कि क्या ग्लोबल में इंडियन टीम की वापसी होगी, सुस्मुन का और क्या रिप्लाई था वो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। ग्लोबल में इंडिया टीम की वापसी होगी, एनी चांस? नहीं यार, यू डोंट सी देम प्लेइंग आई थिंक एनी मोर, इट विल टेक अ बिट, इट विल टेक सम टाइम यार, इट विल टेक सम टाइम for global, like for Indian teams to get to global competition के लिए। हाँ, global teams can come to India, जैसा हमने India Korea में देखा था, maybe something like that can happen, but for Indian teams to go out and play, so global teams can come to India and play BG etc etc जो होगा उस time, INKR BGMI tournament etc etc right, but Indian teams cannot go out and play PM etc etc, getting my point? So, वो चीज आएगी आएगी, इंडियन ग्लोबल टीम्स इंडिया करके दे कैन प्ले, बट इंडियन टीम्स ग्लोबल जाकर के दे कैन नॉट, सो आई होप यू गाइस गेट द पॉइंट। एंड इस अंकी ने बात की गॉडले के मिस्टेक्स के ऊपर, वो पर क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। पर अंकी मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्यक्तिगत तौर पर आप इन खिलाड़ियों को जानते हैं, जल्दी से आप मिलकर आए, आपने वीडियो बनाई शानदार वो वीडियो, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वो एक गलती जो आपने नोटिस करी है अभी तक, जिसकी वजह से गॉडलाइक हमेशा वो रोटेशंस में जरूर पकड़े जाते हैं? मेरे को लगता है इंटेल की उतना ज्यादा जो कमी है वो देखने को मिलती है टीम गॉडलाइक के पास, और खासकर इरेंगल के मैप में हमने वो चीज साफ साफ देखी, जहाँ पे वो एजेस के राउंड बहुत देर तक रुकते हैं, और उसके बाद जब जोन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की बारी आती है तो मल्टीपल टीम्स के साथ वो जो बैटल्स है वो उनकी स्टार्ट हो जाती है, और वही चीज हमने आज के दिन पे भी देखी है। और आप याद करिए वो मुकाबला जहाँ पे सैनहो का वो मैप चल रहा था और जेली अपनी टीम को यहाँ तक लेकर के आए थे, उस मुकाबले के बदौलत वो कमबैक आया था, वहाँ पर भी आप देखिए कि कितनी ज़्यादा हाना वाली जो चीज़ें वो चल रही थी, पहले वो वीकर लेकर के केव के इलाके में गए, वहाँ पे ऑलरेडी एनडीटी की स्क्वाड मौजूद थी और वो वहीं पर बने रहे बहुत देर तक, ये जान के भी कि तीन खिलाड़ी ऑलरेडी उनके बहुत ज़्यादा दूर है, और अगर वहाँ पे वो एनडीटी के चपेट में आए तो दिक्कतें उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये आप उसको प्रेशर बोलिए, क्योंकि एक्सपीरियंस की तो कोई कमी है नहीं जो आपको जेली के पास देखने को मिलने वाली है, पहले भी हमने टूर्नामेंट्स में देखा है ऑफिशियल की वो अपनी टीम को दूसरे पायदान तक भी लेकर के आए हैं, बट यहाँ पर दिक्कत है शायद वही कि वो जो अग्रेशन है टीम गॉडलाइक का, मुझे लगता है कि उसका उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन अभी तक तो नहीं हुआ है। एंड इस वीडियो पर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।